आर्य भट्ट पाठशाला पर स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आज के इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के सवालों को हल करेंगे। अभी जो हमारे पिछले वीडियो है उनमें भी हमने सिंप्लीफिकेशन के सवालों को हल किया है। सभी जो सवाल है हम हल कर रहे हैं वो एसएससी के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एसएससी के चाहे सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल और सीपीओ के परीक्षाओं में आए हुए सवाल है। यहाँ पर इस सवाल में दिया गया है 56.234 और 5.6234 गुणा 0.0003 बटे 0.003 माइनस एक है, कोष्टक में है ये संख्या और माइनस एक बाहर है। तो अंदर वाली संख्या को हल करेंगे तो इसमें सबसे पहले इनका दशमलव हटाएंगे। अब ऊपर वाली संख्या है, ऊपर वाली संख्या में दशमलव के बाद में तीन अंक है, यहाँ चार अंक है तो इसके एक जीरो लगा देंगे तो दोनों अंश और हर में चार चार अंक हो गए। अब इसका भी दशमलव हटा देंगे और इसका भी दशमलव हटा देंगे क्योंकि दशमलव के बाद समान अंक है संख्या में, तो ये हो जाएंगे 56, 23, 40। उसके बाद में नीचे वाली संख्या का भी दशमलव हट जाएगा तो 56,234 हो गए। उसी तरह से इसमें देखते हैं, इसमें दशमलव के बाद में चार अंक है, इसमें तीन अंक है, तो हम शून्य लगाकर उसका अंक बढ़ा देते हैं। यहां पर भी हमने शून्य लगाकर अंक बढ़ाया था और यहां पर भी हम शून्य लगाकर इसका अंक बढ़ा देंगे तो ये दशमलव हट गया। उसके बाद में यहाँ क्या बचा, ऊपर तो रह जाएगा तीन और नीचे हो गया 30, ठीक है। ये हमने इसे कोष्टक में रख दिया माइनस एक। उसके बाद में 56,234 है और यहाँ 5,62,340, ठीक है। तो ये पूरी संख्या इससे एक बार में कट रही है और जीरो बचा तो ये जीरो हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर ये पूरी संख्या 56,234 और 56,234 में एक बार भाग जा रहा है और यहाँ शेष जीरो बचा तो भाग टूट के हमने जीरो लिख दिया। उसी तरह से यहाँ पर भी तीन का भाग इसमें एक बार और इसमें 10 बार, ठीक है। अब 10 का भाग हम देंगे किसमें, एक में, तो यहां क्या बचेगा 10 गुणा 10 का भाग इसमें देंगे तो भाग नहीं जाता, पॉइंट लगाते ये 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा एक। तो 10 गुणा 0.1 माइनस एक, ठीक है। अब 10 को 0.1 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा तो यहां पर आ जाएगा एक। 10 को 0.1 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, एक आ जाएगा। अब इस एक में से हम किसको कम कर देंगे, बाहर जो उस कोष्टक के बाहर है एक है उसको कम कर देंगे, जीरो हमारा हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। ये हमारा है पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल हमने बेसिक लेवल से बताया है। नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। अगला सवाल है, ये भी SSCGL में पूछा गया सवाल है, 0.1 गुणा 0.01 गुणा 0.001 गुणा 10^7 बराबर है, यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन में 100, 1/10, 1/100 और 10। तो सबसे पहले इन संख्याओं का हम दशमलव हटाएंगे, इसमें दशमलव के बाद में एक संख्या है तो इसमें हम भाग दे देंगे 10 का। उसके बाद में इसमें दशमलव के बाद में दो अंक है तो इसमें भाग दिया जाएगा 100 का। इसमें दशमलव के बाद में तीन अंक है तो इसमें दिया जाएगा भाग 1000 का। उसके बाद में यहाँ गुणा में है 10^7। अब यहाँ 10^7 नीचे कितनी हो जाएगी, जितनी जीरो है उतनी घात हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये 10^7 बटे ये नीचे हो जाएगी 10^6। यहाँ 3 और 3, 6 जीरो है तो 10^6 हो जाएगी और ये 10^7 जो ऊपर एक से गुणा हो जाएगी तो 10^7 ये 7 आ गई। अब इसे हम हल करते हैं तो 1^m/1^n बराबर, इसे हल करेंगे तो 1^m-n कर देते हैं जहां m का मान n से बड़ा रहता है। इस सूत्र से हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10^7 माइनस ये है 10^m-7 और n क्या है, n है 6, 6, तो ये क्या बचा, 10 बचा है, केवल 10^1 बची है, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। अगला सवाल दिया गया है 1^-4 + 1^4 / 1^-4 - 1^4 किसके बराबर है, और ये सवाल भी SSCCGL के टीयर फर्स्ट में पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर हमारे पास में कोई भी घात दी गई है, 1^-m दी गई है, 1^-m दी गई है, तो हम इसे जो लिखेंगे इसे हम लिख सकते हैं, अगर इस घात को धनात्मक लिखते हैं तो 1/1^m लिख सकते हैं, हम इसे 1/1^m लिख सकते हैं यदि 1^-m है। तो उसी तरह यहाँ 1^-4 है तो यहाँ पर 1^-4 है तो 1^ क्या लिख देंगे हम, 1/
चार, एक की घात एक बटा चार लिख दिया। उसके बाद में यह है एक की घात चार बटे, उसी तरह यहां पर भी एक की घात माइनस चार है तो इससे भी लिख देंगे हम एक बटा एक की घात प्लस में यहां चार माइनस एक की घात चार, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, इस संख्या का भी इसके नीचे एक मान के एलसीएम लेंगे और इसका भी एक मान के एलसीएम लेंगे। यहां ऊपर वाली संख्या को देखते हैं, पहले ऊपर वाली संख्या का हल करते हैं तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा एक की घात चार, ठीक है। अब एक की घात चार का भाग एक की घात चार में देंगे तो एक बार जाएगा और एक को एक से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक, प्लस एक का भाग एक की घात चार में एक की घात चार बार जाएगा और एक की घात चार को एक की घात चार से गुणा करेंगे तो यहां पर यहां जैसे एक की घात एम गुणा एक की घात एन है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक की घात एम प्लस एन लिख देते हैं, ठीक है। एक ही घात एम घातांक के जो नियम है उसके अनुसार इसे हल कर रहे हैं तो यहां पर चार घात एक का भाग एक ही घात चार में एक ही घात चार बार गया और एक ही घात चार को हम गुणा करेंगे किससे, एक ही घात चार से, तो ये कितनी घात हो जाएगी, दोनों घात जुड़ के एक ही घात आठ हो गई, ठीक है। उसके बाद में नीचे भी उसी तरह से हल करेंगे हम, नीचे हमारे पास में एक ही घात चार एलसीएम आ जाएगा, यहां है माइनस में संख्या तो इसका भाग तो इसमें एक बार जाएगा, एक को एक से गुणा करेंगे एक माइनस, यहां एक ही घात चार है और यहां नीचे एक है तो यहां भी एक का भाग इसमें देंगे तो एक ही घात चार बार जाएगा और एक ही घात चार को हम किससे गुणा करेंगे, एक ही घात चार से, तो घात जुड़ जाएगी तो एक ही घात आठ, ठीक है। अब क्या होता है कि ये वाली संख्या आपस में गुणा होती है और ये वाली संख्या आपस में गुणा होती है, ठीक है। अब इनमें ये वाली संख्या तो ऊपर यहां चली जाएगी और ये वाली संख्या कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। अब किस में जाएगी, गुणा में जाएगी ये वाली संख्या, तो एक प्लस एक ही घात आठ ब्रैकेट और एक ही घात गुणा एक ही घात चार, ये जो नीचे वाली है ये यहां पर ऊपर गुणा में आ गए और नीचे क्या है, एक माइनस एक ही घात आठ गुणा एक ही घात चार, जो ये नीचे है ये वाली संख्या ये इसके ऊपर चली गई गुणा में, तो एक ही घात चार से एक ही घात चार को विभाजित कर दिया। उसके बाद में जो हमारे पास में जो मान बचा है वो क्या बचा है, एक प्लस एक ही घात आठ बटे एक माइनस एक ही घात आठ, ये हमारा सवाल का जो है आंसर है, एक माइनस एक ही घात, एक प्लस एक ही घात आठ और एक माइनस एक ही घात आठ। तो क्वेश्चन नंबर तीन का ये सॉल्यूशन है। अगला सवाल है 0.00053 माइनस 0.002 गुणा 0.4 प्लस 0.56 गुणा 0.07 बटे 0.04 गुणा 0.25। इस सवाल का सरलीकृत मान हमें निकालना है और ये सवाल एसएससी की परीक्षाओं में लगभग 7-8 बार पूछा जा चुका है, कम से कम 6 बार पूछा जा चुका है ये सवाल एसएससी की परीक्षा में, जो सीपीओ में, सीएचएसएल में और सीजीएल की परीक्षाओं में भी ये कई बार पूछा जा चुका सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाले कोष्टक को हल करेंगे। तो इस वाले कोष्टक को हल करने के लिए यहाँ पर 0.0539 इसमें से क्या कम करना है, हमें कम करना है 0.002, ठीक है। यहाँ 9 तो वैसे के वैसे आ जाएंगे और 3 में से 2 गया तो 1 और ये हो जाएगा 5 और 0। यहां पर कितना आया है, 0.0519, ठीक है। और इस संख्या को हम किससे गुणा करेंगे, इस संख्या को हमें गुणा करेंगे 0.4 से, तो 4 से गुणा कर दो इस सारी संख्या को, 9 चौक 36 का 6 हासिल का 3, 4 एकम 4 और 3 7 और 4 पंजियों 20, ठीक है। तो यहां पर दो चार संख्या थी इधर है दशमलव के बाद में और एक संख्या इधर है तो 5 संख्या हो गई दशमलव के बाद में, तो हमें भी 5 संख्या छोड़ के ही दशमलव लगाना है तो इसके आगे क्या लगा देंगे, एक जीरो लगा देंगे, तो 0.0207 ये हमारा क्या आया है, इसका गुणनफल, इसका मान आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद में संख्या है ये वाली, इसको हम गुणा करेंगे तो 0.56 को गुणा करेंगे 0.07 से, 7 6 42, 4 बचे और 7 2 5 35, 35 और 4 ये हो जाएंगे 39। अब यहां देखते हैं कि 0.0 के बाद में कितने अंक है, तो 2 और 2 4 है तो इसे इन्हें भी हम 4 बनाएंगे, उसके बाद में यहां दशमलव लगाएंगे और ये 0, ठीक है। तो ऊपर वाली जो संख्या है वो क्या आई है, 0.02076 प्लस ये वाली संख्या है 0.0392, ठीक है, ये हमारा मान आ गया है। अब नीचे दी गई संख्या है 0.04
गुणा 0.25, इसको हम गुणा करते हैं तो 0.04 को गुणा करेंगे 0.25 से, तो 2500 हो गए, 2 और 2 4 है दशमलव के बाद में, तो इसमें भी एक जीरो यहां लगा देंगे और पॉइंट लगा के ये जीरो लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा 0.0100। ठीक है, ऊपर वाली दशमलव की संख्या को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, यहां दशमलव के बाद में 3 और 2 5 है और यहां कितनी है 4 है, तो पांचवा अंक तो हम वैसे के वैसे ही लिख देते हैं 6, उसके बाद में 4 चौथे अंक से 7 में जोड़ेंगे, 7 और 2 9 और 0 और 9 ये 9, 2 और 3 5 और यहां पर आ जाएगा 0, ये दशमलव 0 बटा नीचे है 0.01000। यहां 4 संख्या छोड़कर दशमलव है और ऊपर वाली जो संख्या है उसमें 5 संख्या छोड़कर दशमलव, तो इसमें क्या करेंगे हम 1 दशमलव बढ़ा देंगे और इसका दशमलव हटा देंगे, तो ये कितना आ गया 5996 बटे नीचे कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, तो अब यहां पर 1000 का हम भाग देंगे 5996 में, तो 3 जीरो काट के 3 संख्या छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे, तो ये 5996 है, तो इसमें इस तरफ से 3 संख्या छोड़कर हम यहाँ दशमलव लगा देंगे, 5.969 इस सवाल का हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल SSC के एग्जामों में कम से कम 6-7 बार पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल करेंगे अब हम, अगला सवाल जो दिया गया है इसका हमें सरलीकृत मान निकालना है और SSC CHSL के 2019 के पेपर में ये आया हुआ सवाल है, तो यहाँ जो दी गई संख्या है इसे हम बोर्ड मास के नियम से भी हल करेंगे। यहाँ सबसे पहले तो देखेंगे कि ये संख्या जो मिश्र भिन्न में दी गई है इसे सरल भिन्न बना लेते हैं। ऊपर वाली जो संख्या है 3 से 1/5, तो ये मिश्र भिन्न है, सरल भिन्न बनाएंगे, इस संख्या को इससे गुणा करेंगे, 5 या 15 और 1 16, तो ये तो हो जाएंगे 16 और बटे में कितना आ जाएगा 5 माइनस 3/5 भाग में है 8/5। उसी तरह से नीचे की संख्या है मिश्र भिन्न में उसे हल करेंगे, तो 1 से ही 1/7, तो 7 एकम 7 और 1 8, ये हो जाएंगे 8/7 भाग ये है 6/7। अब यहां पर ये संख्या किसमें है, ये संख्या दी गई है भाग के अंदर। ठीक है, तो भाग में जो संख्या दी गई होती है अगर उसे हम हल करते हैं तो यहाँ जैसे a/b × c/d है, ठीक है, ये भाग में है यहाँ पे, तो इसका व्युत्क्रम कर देते हैं इस संख्या का, इसे आगे हल करेंगे तो इसे एक a/b × d/c लिख देते हैं। ठीक है, कैसे, इस वाली संख्या का क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं और यहाँ जो चिन्ह है भाग का है उसे हम गुणा लिख देते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर भी 1/7 × 5/1 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल का अगला स्टेप। उसके बाद में आगे जब सवाल को हम देखेंगे तो यहाँ मिश्र भिन्न की कोई संख्या नहीं रही है, तो इनका ऊपर वाली संख्याओं का LCM ले लेंगे, तो LCM आ जाएगा, दोनों संख्याओं का LCM 5 आ जाएगा, इनके हर समान है। उसके बाद में ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या को वैसे के वैसे लिख देंगे 16 और ये माइनस का चिन्ह और 3, यहाँ पर भाग 8/5 और नीचे जो संख्या आएगी अपने पास में, नीचे की जो संख्या है वो है 8/7 भाग, यहां पर ये 1/7 × 5/1, तो ये हो जाएगा 5/7। अब 5/7 और इस तरफ क्या है 6/7, तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इनका भी LCM लेंगे तो इनका LCM भी कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और यहां पर भी क्या हो जाएगा 6 - 5 हो जाएगा। ठीक है, 6 - 5 हो जाएगा क्योंकि ऊपर की संख्या क्या क्या बचेगी 6 और 5 है, नीचे समान हर है, तो LCM 7 आ गया और ऊपर की संख्या को वैसे के वैसे लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे हम इस सवाल में, हमारा सवाल यहां तक हल हो चुका है, 16 - 3 करेंगे तो ये हो जाएंगे 13/5, यहाँ ये संख्या भाग में है तो इसे गुणा में लिखेंगे तो ये 5/8 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ भाग में 8/5 है तो गुणा में इसे लिखेंगे तो ये व्युत्क्रम हो जाता है तो 5/8 हो गए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ ऊपर वाली संख्या, नीचे वाली संख्या जो है 8/7 है, ये भाग में है, यहाँ क्या बचेगा 6 - 5, तो 1/7 बचेगा, 1/7 किस में है, भाग में, तो गुणा करके इसको क्या लिख देंगे 7/1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस 5 से तो ये 5 विभाजित हो गया और इस 7 से ये 7 विभाजित हो गया, नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है अपने पास में 8। ठीक है, नीचे क्या बचा है 8, अब यहाँ पर 13/8
बटे में है 8। अब ये वाला 8 जो है इस संख्या से गुणा हो जाएगा, तो यहां जो हमारा आखिरी आंसर आएगा सवाल का, तो 13/8 × 8 हो जाएगा 64। तो 13/64 बराबर जो मान आएगा इस सवाल को हल करने पर वो आएगा 13/64। तो ये है हमारे आज के सिंप्लीफिकेशन की सवाल, जो सभी सवाल हमारे एसएससी की परीक्षाओं में पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं। तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं मैथ के एसएससी में पूछे गए सभी सिंप्लीफिकेशन के सवालों को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में भी हम आपके लिए एसएससी से संबंधित ही सवालों को लेकर आएंगे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर्यभट्ट पाठशाला को। थैंक यू।